दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर ए नॉलेज वर्ल्ड पर। दोस्तों आज मैं अपने चैनल की वह कहानी बताने जा रहा हूँ जीरो सब्सक्राइबर से आज 2500 सब्सक्राइबर से ऊपर है, उसके बीच मेरे सामने जो दिक्कतें आई हैं और जो परेशानियां आई हैं, मेरे मन में क्या फीलिंग होती थी, वह सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक बार वह एक समय वह था जो मेरे यूट्यूब चैनल पर 150 या 200 सब्सक्राइबर थे और मैं निर्बस सा हो गया था। मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया था, बहुत कम वीडियोज डालने लगा था। और उसके बाद एक समय वह आया जो 7 दिन में ही मेरा वॉचिंग टाइम कम्प्लीट हो गया और मेरे सब्सक्राइबर भी 1000 ना होने की मुझे उम्मीद थी कि 1000 कब होंगे, और मेरे सब्सक्राइबर इतनी तेजी से बढ़े कि मुझे पता ही न लगा कि मेरे सब्सक्राइबर 2500 कब हो गए। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करने आया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखना और शायद कुछ काम की बातें आपके लायक हों तो उसे आप रिसीव कर लेना। और दोस्तों कुछ आपके पास सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, मैं आपके सुझाव भी मानूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मुझे बहुत आता है, नहीं, जो मेरे सामने कुछ कठिनाइयां आई, जो मेरे मन में कुछ परेशानियां आती थी, मैं सोचता था मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पता नहीं कब होंगे और 4000 घंटे पता नहीं कब होंगे, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताने आया हूं। जो गौर से देखना दोस्तों और मेरी बातें गौर से सुनना, शायद आपके काम आ जाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आपने दोस्तों थंबनेल पर देखकर ही आपको थोड़ी बहुत हंसी आई होगी कि ये कैसा यूट्यूबर जिसे यूट्यूब ये भी पता नहीं था कि यूट्यूब से कमाई होती है। तो ये बात सही है कि मुझे ये मालूम नहीं था कि यूट्यूब से कमाई होती है। एक दिन दोस्तों मैं मोहम्मद अनस से मिला जिनका यूट्यूब चैनल है जैब टेक, वह टेक से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। उनसे मुझे जानकारी मिली कि YouTube पर चैनल बनाकर वीडियोस डालते रहते हैं और उससे उन्हें कमाई होती है। बाद उनसे मैंने पूछा क्या मैं भी एक चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करूं तो मुझे भी कमाई होगी। बोले हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है, YouTube पर कोई भी चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करके उस पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने के बाद कमाई होने लगती है। तो दोस्तों मैंने ऐसा ही किया, मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया, उसके बाद उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। उसके बाद मैंने जो वीडियो डाली तो दोस्तों उस पर बहुत कम व्यूज आ रहे थे, किसी पर 30, किसी पर 20, तो किसी पर 40 व्यूज। उसके बाद मैं निर्बस सा हो गया था, मैंने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा ये मुझसे काम होने का नहीं है, तो मैंने वीडियो डालना बहुत कम कर दिया। दोस्तों उसके बाद मैंने वीडियो डालना रोक ही दिया था लगभग। उसके बाद मेरी एक बार फिर मुलाकात हुई मोहम्मद अनस से, उन्होंने बताया कि आप रेगुलर वीडियो डालते रहिएगा, एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल होगी और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैंने ऐसा ही किया, मैंने रेगुलर वीडियो डाली, मेरी कुछ वीडियो रैंक कर गई, मेरे कुछ व्यूज बढ़ने लगे। तो उसके बाद एक टॉपिक आया बरेली एयरपोर्ट का, तो बरेली एयरपोर्ट से रिलेटेड मैंने अपडेट डाली, उस पर व्यूज बहुत अच्छे खासे आए और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। उसके बाद बरेली एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आती थी तो मैं उस पर वीडियो डाल देता था, उस पर अच्छे व्यूज आते थे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते थे। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आया मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मेरा वॉचिंग टाइम था 1500 घंटे, तो मुझे उसकी चिंता हो गई, पता नहीं मेरे 4000 घंटे कब होंगे। मेरे 1500 घंटे 2 साल में हुए हैं, तो 4000 घंटे कब होंगे। तो दोस्तों मुझे इस बात की चिंता हो गई थी, लेकिन मेरे दोस्तों एक समय ऐसा आया कि मैंने बरेली एयरपोर्ट की वीडियोस डाली और कुछ और अलग टॉपिक की भी वीडियोस डाली, तो वो मेरी 2 वीडियो इतना वायरल हो गई, एक पर 35,000 और एक पर लगभग 40,000 के आसपास व्यूज हैं। तो उन वीडियोस से मेरा चैनल रैंक हो गया और मेरे सब्सक्राइबर भी 2500 हो गए और मेरा वॉचिंग टाइम 7 दिन में ही कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे और मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट इतने दिन में हो जाएगा। मैं तो ये सोचता था कि 2 साल में मेरा 1500 घंटे वॉचिंग टाइम हुआ है और 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कब होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 7 दिन में मेरा वॉचिंग टाइम
हजार घंटे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही बात मैं आपको बताने आया था कि यदि आप भी एक यूट्यूबर हैं, आप भी निर्बस ना हो, अपनी वीडियो डालते रहें निरंतर और आपका एक ना एक दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी पता नहीं कौन सी वीडियो वायरल हो जाए जिससे आपके सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम पूरा होने में समय ही ना लगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और अपनी वीडियोस डालते रहिएगा, एक ना एक वीडियो वायरल ज़रूर होगी और आपका वॉचिंग टाइम और सब्सक्राइबर पूरा ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे मन में यही कुछ बातें आई थी जो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर